नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में एडमिट उज्जैन के एक आलू प्याज व्यवसायी की ब्रेन डेथ के बाद परिजन ने उनका दिल, लीवर व दोनों किडनियां डोनेट की हैं। इसके लिए सोमवार को 3 ग्रीन कॉरिडोर बने। इसके तहत दिल सुबह 9:30 बजे प्लेन से पुणे पहुंचाया गया, जो वहां अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे भारतीय सैनिक को ट्रांसप्लांट होगा इसी कड़ी में लीवर विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट को, एक किडनी बॉम्बे हॉस्पिटल में और दूसरी किडनी चौथराम में एडमिट पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जा रही है। ये शहर में 48वां ग्रीन कॉरिडोर बना था। दरअसल मामला शुभल पैलेस उज्जैन निवासी आलू प्याज व्यवसायी प्रदीप आसवानी 34 वर्ष का है। उनका 20 जनवरी की रात को एक्सीडेंट हो गया था। इस पर उन्हें संजीवन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वहां स्थिति गंभीर होने पर उन्हें जुपिटर हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट किया गया था। शनिवार को न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत डाकवाले द्वारा परिवार को उनकी संभावित ब्रेन डेथ जानकारी दी गई। इसके साथ ही शनिवार व रविवार को डॉक्टरों की टीम ने उनका दोबारा परीक्षण कर ब्रेन डेथ घोषित किया। इस पर मुस्कान ग्रुप से सेवादार जीतू बगानी व संदीपन आर्य ने आसवानी परिवार से संपर्क कर उनसे अंगदान को लेकर काउंसलिंग की। माँ, भाई व बहन ने कहा कि दूसरे के लिए नई जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। मामले में माँ कविता, छोटे भाई चिराग व बहन वाणी रत्नानी ने सहमति दी और कहा कि अगर उनके अंगों से अन्य को नई जिंदगी मिलती है तो उन्हें इससे बड़ा कुछ और नहीं हो सकता। इस पर फिर ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट की तैयारियां की गईं। सोमवार सुबह एक ग्रीन कॉरिडोर विशेष जुपिटर हॉस्पिटल से एयरपोर्ट, दूसरा चौथराम हॉस्पिटल के लिए और तीसरा बॉम्बे हॉस्पिटल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। इसके पूर्व रविवार रात को पुणे से स्पेशल प्लेन से भारतीय सेना के AICTC हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जन कर्नल डॉक्टर सौरभ सिंह सहित 8 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम इंदौर पहुंची। सोमवार को तीनों कॉरिडोर के लिए ट्रैफिक पुलिस, CISF एवं एयरपोर्ट अथॉरिटीज से समन्वय कर ऑर्गन्स पहुंचाए गए, जहां ट्रांसप्लांट की प्रोसेस शुरू की गई। ये हमारे उज्जैन के जो साथी हैं प्रदीप जी, उनका एक्सीडेंट में जब ब्रेन डेथ की बात कल जानकारी में आया, तो कल रात से ही हमारे मुस्कान ग्रुप के सभी सेवादारी, हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर, प्रशासन, डीन, कमिश्नर सभी मुस्तैदी से लग गए थे। और समय रहते जो 5 प्रकार के जो दान हैं वो हुए। बड़ी बात है कि उसमें से एक हमारे सैनिक है, उन सैनिक को भी एक अंगदान हुआ है जो कि पूना से है। तो रात को ही पूना से कोऑर्डिनेट हो गया था और एक अंगदान के रूप में पूना भी हमारे सैनिक को दी। बाकी आँखें तो यहाँ आई बैंक में रखी जाएगी। तो उज्जैन के परिवार ने बहुत ही सहदय से उन्होंने सहमति दी, बहुत विषम परिस्थितियों में सहमति दी और मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ उन परिवारों की तरफ से जिनको ये अंगदान का फायदा मिलने वाला है, जिनको जीवन मिलने वाला है। और प्रशासन को, हॉस्पिटल को, मुस्कान दूर के सभी सेवादारियों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दिनांक 20 जनवरी को रात को उज्जैन के निवासी श्री प्रदीप जी आसवानी का रोड एक्सीडेंट हुआ। इस रोड एक्सीडेंट में उन्हें हेड इंजरी हुई। संजीवनी अस्पताल में उन्हें वहाँ उज्जैन में दिखाया गया था। विकट स्थितियों को देखते हुए मुस्कान ग्रुप के सेवादारों से परिवार ने संपर्क किया, उन्हें इंदौर में शिफ्ट करने की व्यवस्था की गई। सिंस दैट टाइम उनका उपचार यहाँ जुपिटर विशेष में चल रहा था। जैसा कि सीवियर हेड इंजरी थी, 2 दिन बाद उनके जो मेंटल रिफ्लेक्शंस हैं, जो दिमागी रिफ्लेक्शंस हैं, वो आना बंद हो गए थे। ब्रेन स्टेम डेथ के लक्षण दिखे। जुपिटर विशेष हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें डॉक्टर CP पंडित, डॉक्टर शाह जो यहाँ के इंटेंसिविस्ट हैं, उपचार करने वाले डॉक्टर डाकवाला सर ने परिवार को इस विस्तृत से अवगत कराया। तदुपरांत मुस्कान ग्रुप के जो काउंसलर हैं, जो अंगदान के क्षेत्र में लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, हमने उस समय वस्तु स्थिति को देख के परिवार से अंगदान की प्रार्थना करी। परिवार जो है वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इस स्वीकार और अस्वीकार की लड़ाई में 5 दिन बीते। परसों सुबह हमें उनकी कंसेंट मिली शनिवार को। उनकी कंसेंट मिलते ही हमारी पूरी टीम जो है वो एक्टिव हो गई। भगवान की कृपा से पहला ब्रेन स्टेम सर्टिफिकेशन शाम को 6:15 रात को 11:55 पे हुआ और सेकेंड ब्रेन स्टेम डेथ कल शाम को 6:15 पे हुआ। दिवंगत के परिवार ने ऐसी भावना रखी थी कि हम दिवंगत के हृदय, लीवर, 2 किडनियाँ और आँख दान करना चाहते हैं। तो जैसा परिवार के भाव थे तदनुसार जो है वो अंगदान आज संपादित हुए। यहाँ मुझे बताते हुए बेहद सुखद लग रहा है
कि भारतीय सेना में कार्यरत एक सैनिक को हृदय का प्रत्यारोपण होने जा रहा है। नाटो के विधान के अनुसार उनका अलोकेशन ऑफ ऑर्गन जो है वो यहाँ से सोटो के अधिकारी डॉक्टर संजय जी दीक्षित, माननीय शर्मा जी जो कमिश्नर अध्यक्ष हैं यहाँ के, उन सब की प्रोटोकॉल के पूर्ण करते हुए वो अलोकेशन हुआ। आज चार्टर प्लेन जो है वो एयर इंडिया का, माफ़ कीजिएगा, सेना का, भारतीय सेना का आया था। कर्नल डॉक्टर सौरभ कुमार के नेतृत्व में वो टीम 8 डॉक्टरों की आई थी। हृदय पूना गया है, वहाँ के सैनिक अस्पताल में प्रत्यारोपण हो रहा है। लीवर यहाँ के अस्पताल के रोगी को प्रत्यारोपित हुआ है, इंदौर के जुपिटर विशेष के पेशेंट को। एक किडनी का प्रत्यारोपण चोइथराम के रोगी को अलोकेट हुआ है एंड सेकेंड ऑफ किडनी हैज़ बिन अलोकेटेड टू बॉम्बे हॉस्पिटल। भगवान की कृपा है, इंदौर के सब लोग सद्भावी हैं, परोपकारी हैं और हम सब मिल के एक अच्छे प्रयास की ओर अग्रसर हैं। सर, आपका पूरा नाम? मैं मुस्कान ग्रुप का अंगदान का प्रभारी सेवादार संदीपन आर्य। जी, वो हमारे भाई थे, छोटे भाई थे, मैं उसकी सिस्टर हूँ, नीलम खुशालानी। हमको सडनली ऐसा लगा कि मम्मी, हमारी चाची जो हैं, उनको ऐसा लगा कि हमें उनके अंगदान करने चाहिए, क्योंकि बॉडी तो जानी है जलनी, तो सारे तत्व उसमें मिट्टी में मिल जाएंगे। तो उनको अंदर से ही ऐसे प्रेरणा आई कि हमें अंगदान करने हैं, तो उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं करूँगी। फिर सबने सोचा, उनकी रजा में राजी हुए कि हाँ यार, ये बात सही है कि करना चाहिए। पर उनका छोटा भाई था, थोड़ा उनको अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, मेरा भाई है, वो दान नहीं कर सकता, तो थोड़ा उनके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो रही। पर मम्मी आंटी ने ये बोला कि हम करना चाहते हैं, तो हम सब ने सहयोग दिया कि हाँ आंटी, हम आपके साथ हैं, आप करिए दान। क्या करते थे पति जी? ये सब बिजनेस है वेजिटेबल का, वो करते थे। और ये किस तरीके से हादसा हुआ, क्या हुआ था? ये एक ढाबे पे खड़े थे और मम्मी का 10 मिनट पहले कॉल किया कि मम्मी आप चपातियाँ पका के रखो और मैं आ रहा हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, सब्जी भाई बाजार से लेके आ रहा हूँ। बस वो वहाँ से टर्न हो रहा था और पीछे से गाड़ी आई और ठोक के चली गई। आपको कैसा लगता जब आप जो आपके भाई के अंग हैं वो अन्य लोगों को बता रहे हो, तो कितनी खुशी है आपको? हमें घर महसूस हो रहा है कि सबको उन अंगों के थ्रू सब जागेंगे, तो हमारा भाई हर किसी में इंतमित है, ऐसा नहीं कि वो मिट्टी में ही मिल गया, नहीं, हमारे घर में बहुत ज़्यादा गर्व है। एक फौजी को भी उसका हृदय? जी जी, उसके लिए तो हम बिल्कुल तहे दिल से आभारी हैं कि हाँ, बहुत अच्छी है हमारे लिए हुई है ये। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, जिससे और लोगों को भी प्रेरणा मिले? मैं चाहती हूँ कि जो भी ऐसा होता है तो अपने अंग जरूर दान करें, कि ये आपके देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप अपने ही बॉडी को, जो पार्ट्स हैं हमारे, वो दूसरों के पास जा रहे हैं और उसके थ्रू वो चल पा रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राने मालिक के, जो हमें प्रेरणा देता है। आपका पूरा नाम बताइए? मेरा नाम नीलम खुशालानी है, मैं भोपाल से आई हूँ। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।